यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं एक ट्रिगर्स का गेम बना रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो शेप लिए हैं, एक शेप में मैंने कलर लगाया है और दूसरे शेप में मैंने पिक्चर लगाई है। तो पिक्चर मैंने ऐसे लगाई है, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया है शेप फॉर्मेट पे और पिक्चर पे जाके क्लिक करके यहाँ से एक पिक्चर ले लिए और यहाँ से मैंने क्लिक करके शेप फिल में जाके इस पर कलर लगा दिया। तो जो कलर लगा दिया वो इधर हो गया, पिक्चर इधर हो गई है, शेप ऊपर आ रहा है पीछे जा रहा है, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि जब क्लिक करें इस पे तो ये विजिबल हो जाए और ये जाहिर हो जाए, और जब क्लिक करें इस पे तो ये इनविजिबल हो जाए और ये विजिबल हो जाए। तो इस तरह का एक एनिमेशन इफेक्ट इस पे लगाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। पहले इस पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम गए इस पे दो एनिमेशन, पहले एक ट्रिगर इसका बनाते हैं। तो एनिमेशन में जाके हमने एक ट्रिगर इसका बनाया, क्या अब एनिमेशन ही नहीं तो क्या बनाएंगे। तो इसको एक फैड इफेक्ट देते हैं और एक इसको एड एनिमेशन में जाके फैड आउट इफेक्ट देते हैं। तो फैड आउट इफेक्ट हम इसको यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको एक हमने फैड इफेक्ट दिया और यहाँ से क्लिक करके एड एनिमेशन में जाके फैड आउट इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो ये इधर आ गया। तो पहले हम इस पर क्लिक करके ट्रिगर्स पर जाके ऑन क्लिक पे करके आप इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करके ट्रिगर्स पर जाके ऑन क्लिक करके इमेज पे क्लिक करते हैं, ट्रिगर्स पर जाके ऑन क्लिक करके कवर पे क्लिक करते हैं। अब ये इमेज ऊपर आ रहा है, कवर पीछे जा रहा है। हमें इसको थोड़ा सा ऐसे करना है कि पहले इस पर करते हैं, ट्रिगर्स पे जाके ऑन क्लिक करके हम पहले कवर ले लेते हैं और फिर इमेज, अभी भी इमेज के एनिमेशन ऊपर ही है क्योंकि उसको हमने पहले से दिए थे। और यहाँ पे क्लिक करके भी अगर हम इसके एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं तो अब कवर ऊपर आ गया, इमेज नीचे चला गया। तो यही रखना है कि कवर का ट्रिगर ऊपर आना चाहिए और इमेज का ट्रिगर नीचे आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जाके पे यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आपने लेना है यहाँ से एक ऑप्शन और ऑन क्लिक वाला ऑप्शन है। तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि ये एक एनिमेशन है, जब इस पे क्लिक हो तो ये इनविजिबल हो जाए। तो इसका इनविजिबल इफेक्ट ये है, तो इसका विजिबल इफेक्ट हम उस पर डाल देंगे और इसका विजिबल इफेक्ट हम इसमें ले लेंगे इसके नीचे, ठीक है। तो ये ऐसे कर देंगे, तो इसका इनविजिबल इफेक्ट ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, यहाँ क्लिक करके इसको ऑन क्लिक पर रखेंगे और इसको कर देंगे आफ्टर प्रीवियस और इसको भी कर देंगे आफ्टर प्रीवियस। तो अब देखिए कुछ इस तरह से काम होगा कि स्लाइड शो में आप देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा, क्लिक करेंगे ये विजिबल हो जाएगा, क्लिक करेंगे इनविजिबल हो जाएगा, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इनविजिबल हो जाएगा और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इनविजिबल और ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके, अब आपने यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर ये रख दिया और यहाँ पर रखने के बाद आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। यहाँ पे प्लेस करके आपने यहाँ पे रखा इसको, कंट्रोल डी दबाया मैंने इसके साथ, तो ये डी दबा के इसका एक डुप्लीकेट आ गया जो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। और फिर एक और कंट्रोल डी दबाया मैंने तो वो इधर आ गया, एक और कंट्रोल डी दबाया मैंने तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, चार हो गए। एक और कंट्रोल डी दबाया तो ये पांच हो गए। और यहाँ से क्लिक करके मैंने थोड़ा स्पेस इसका यहाँ से कवर कर लिया और यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा आगे कर दिया और यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया, यहाँ पे जाके थोड़ा सा और इसको आगे कर दिया, दोनों सेलेक्ट नहीं हुए, पीछे एक और भी इसके, तो यहाँ पे रख के इस तरह से रख दिया और इसको क्लिक करके आगे कर दिया, तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा आगे कर दिया। तो अब इन सबके स्पेसेस पे एक साथ करना है तो यहाँ सबको सेलेक्ट कर लिया और शेप फॉर्मेट पे जाके यहाँ से क्लिक किया और इसको डिस्ट्रीब्यूट मिडल अलाइन कर लें या फिर इसको, ठीक है। अब वो असल में ग्रुप नहीं है तो इस वजह से ऐसे ही करेंगे ये। तो इसका एक तरीका ये है कि आप पहले इन सबको एक एक को ग्रुप कर लें, तो जब ये ग्रुप हो जाएंगे तो आपको फिर ये इजीली मैनेज करने में आसानी रहेगी। ग्रुप कर दिया यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके फिर आपने इसको ग्रुप कर दिया और फिर आपने यहाँ से भी इसको क्लिक करके और ग्रुप कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से क्लिक कर दिया, यहाँ पे ग्रुप कर दिया, क्लिक कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, पिक्चर फॉर्मेट में गए, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर दिया, यहाँ पे ऐसे रख लिया और इसको क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक ये बना लिया लेयर्स की और एक दूसरी लेयर यहाँ बना लिया आपने डुप्लीकेट करके, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया आपने सबका। तो यहाँ से जैसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया, ये नीचे आ गई इसकी एक लेयर, यहाँ हमने इस तरह से बना लिया। अच्छा, अब ये स्पेसेस सारे बराबर हो गए। अब भले एक एक को अनग्रुप करते जाएं और अनग्रुप करके सिर्फ करना ये है कि जब आप इसको बल्कि अगर आप अनग्रुप नहीं भी करें तो स्लाइड शो चला के देखते हैं कि
क्या सूरत हाल है, ये अनग्रुप है ये वाला और ये बाकी ग्रुप है, तो मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ। अच्छा अब हुआ ये कि मैंने इतने सारे बना तो दिए इसके, लेकिन इसमें जो पंगा आया वो एनिमेशन पेन में से तो एनिमेशन ही खत्म हो गया इसका, जो ट्रिगर वाला मामला था। तो ये तो बड़ा सीन हो गया उल्टा किस्म का, कि हमने पहले एक का बनाया था, हम सोच रहे थे सबके डुप्लीकेट्स हो जाएंगे, लेकिन वो डुप्लीकेट्स हुए नहीं और इनके मामला टेढ़े हो गए। तो इसको एक कंट्रोल जेड करता हूँ मैं ज़रा। तो यहाँ तक तो सही थी कहानी, ये तो बिल्कुल सही जा रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। जब तक मैंने इनको ग्रुप नहीं किया था तब तक मामला सेट थे, ठीक है ना, तब तक सही जा रहे थे मामला। मैंने दो दफा अंडू किया है, तो यहाँ पे देखें जब तक मैंने इनको ग्रुप नहीं किया था तो ये अपना काम कर रहे थे। देखें आखिरी वाले पे काम नहीं कर रहा, तो देखें जरा किस पे काम नहीं कर रहा। स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके इस पे भी हाथ आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी, इस पे नहीं आ रहा और इस पे नहीं आ रहा, इन दो पे नहीं आ रहा। तो जिन पे आ रहा है उन पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ये काम कर रहे हैं सही तरीके से, और ये भी सही काम कर रहा है, ठीक है ना। फोटो एक जैसा आ रहा है, सही है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं। अब इस पे क्यों नहीं आ रहा इसको भी देख लेते हैं, एंड शो कर देते हैं यहाँ से। और इस पे क्यों नहीं आ रहा, तो इसको मुझे लग रहा है कि हमने शायद इसको भी ग्रुप कर दिया था इसलिए नहीं आ रहा। तो अनग्रुप कर लें इसको, यहाँ से अनग्रुप कर दें और यहाँ से इसको भी अनग्रुप कर दें। तो अब ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। तो यहाँ क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे स्लाइड शो में चले जाएं। अब देखते हैं कि भाई इस पे भी काम कर रहा है, नहीं इन दो पे नहीं कर रहा, बाकी इन तीन पे काम कर रहा है, ठीक है भाई। अब ये दो पे नहीं कर रहा तो फिलहाल ये दो एक्सपायर हो गए हमारे, तो इन दोनों को आप यहाँ से पकड़ के डिलीट कर दें। और ये जो दो हमारे सही काम कर रहे हैं इनको ले लेते हैं यहाँ से, और कंट्रोल डी कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ले लीजिए, और यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल डी बनाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अब ये सब पे देखें एनिमेशन हो रहा है, सब ऐसे ही काम करेंगे। स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए जब मैं इस पे क्लिक करूँगा चेंज हो गया, दोबारा क्लिक करने पे ऑफ हो गया, ठीक है ना। अब हमें करना ये है कि भाई अब ये 10 मॉडल्स हैं, 10 मॉडल में हमें अलग अलग पिक्चर्स भी लगा सकते हैं 10, और 10 पिक्चर नहीं लगा रहे तो आप 5 पिक्चर्स एक में लगा दें, 5 एक में लगा दें। जैसे हमने इसमें सब पे अभी एक ही फोटो आ रही है, तो आप करेंगे ये कि हम यहाँ से इसको खोलेंगे सिलेक्शन पेन को, पहले फाइल को जरा सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया। और यहाँ पे हम रख देते हैं ट्रिगर्स एग्जाम्पल, ठीक है, इसको यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो अब अलग अलग पिक्चर लगाने का मरहला कैसे करेंगे, इसमें एक दो तरीके हैं, चेक करते हैं। सिलेक्शन पेन खोलते हैं, अब देखिए ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से कौन सा सेलेक्ट हुआ है, ये वाला सेलेक्ट हुआ, तो इसका इमेज इसके नीचे होगा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हुआ, इमेज इसके नीचे है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा ये तो ओरिजिनल इमेज है, इस पर क्लिक करते हैं, इसका इमेज इसके नीचे, यहाँ ये सिलेक्ट हो गया है, पीछे है सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट पिक्चर, शेयर पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से आप लगाएं फ्रॉम फाइल, और यहाँ से कोई और पिक्चर सेट कर दें। लेट्स सपोज हमने इस पे ये वाली पिक्चर सेट कर दी, ठीक है। अब फिर इस पे क्लिक किया तो कवर सेलेक्ट हो गया, इमेज उसके नीचे है, इमेज पे क्लिक किया, फिर यहाँ से गए और फिर से हमने क्लिक किया पिक्चर, और पिक्चर पे जाके हमने करा फ्रॉम फाइल, और यहाँ से हमने जाके कोई और पिक्चर ले ली, लेट्स सपोज, ठीक है। अब जो जो पिक्चर लेते जा रहे हैं याद रखनी है। अब जैसे मैंने 3 का ही बनाया, आगे और देख लें, फिर इस पे क्लिक करेंगे अगले कवर पे, यहाँ से उसका इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर हम कहेंगे पिक्चर पिक्चर फॉर्मेट, और फिर हम यहाँ से फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। ये ले लिया, ठीक है, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इसका पिक्चर लिया और फिर इस पे हमने जाके पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक किया। ये वाला पिक्चर ले लिया, अब 5 पिक्चर्स हमने यहाँ ले लिया। अब चाहे तो 10 पे अलग अलग पिक्चर्स ले लें, और चाहे तो वही 5 पिक्चर इसमें अलग अलग जगहों पे ले लें। जैसे इसका कंपैरिजन के पिक्चर, इसका कंपेयर क्लिक करें इस पे,
इसके इमेज पे लगा दें, क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर, जैसे हम उसी से इसको करवाना चाह रहे हैं कंपेयर, तो शेफ फॉर्मेट पिक्चर पे चले गए, तो वो बास्केट वाली पिक्चर जो है हम इधर लगा देते हैं फ्रॉम फाइल करके। यहाँ से देखिए बास्केट कहाँ थी बनी हुई, बास्केट बास्केट ये रही, ठीक है तो इधर आ गया। अब दूसरा पिक्चर याद है कौन सा था, और लास्ट टाइम एक पिक्चर लिया था लड़की का, तो उस पर क्लिक करते हैं, तो उसका इमेज पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ जाते हैं इसके शेफ फॉर्मेट पे, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से लेके फिर हम यहाँ से ले लेते हैं एक और पिक्चर जो हमने लगाई थी, शायद ये वाली लगाई थी। अच्छा आप भूल गए ना पिक्चर कौन सी लगाई थी, मिसाल के तौर पे, अब मिसाल के तौर पे हमने एक पे तो लगा दी, अब ये याद नहीं आ रहा इसमें पिक्चर कौन सी थी, तो देखो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसका विजिबल ऑन है, इसका विजिबल ऑफ करो, ये वाली पिक्चर लगानी है, ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करो, इस पे लगानी है, तो इसका आप इमेज वाला देखो क्लिक करो, कवर इमेज पे क्लिक करो, और यहाँ पे शेफ फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ से क्लिक करो पिक्चर, तो इसके साथ मैं ये वाली पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये वाली पिक्चर हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब तीसरे वाले को चेक करो, उसका कवर लिया आपने, उसकी इमेज को यहाँ से इनविजिबल किया, अब ये वाली पिक्चर लगानी है, तो ये कहाँ लगानी है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ लगानी है, तो इस पर क्लिक किया हमने, सेव कर देते हैं फाइल को, और उसके बाद उसका इमेज सेलेक्ट किया, और इमेज सेलेक्ट करके फिर हम चले गए शेप फॉर्मेट पे, पिक्चर पे क्लिक किया, और पिक्चर पे क्लिक करके हमने यहाँ से फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ पे इस तरह के पिक्चर को हमें सर्च करना है, तो ये पिक्चर मिल गई हमारी, और उसको क्लिक करके हमने अप्लाई कर दिया। अब आ जाते हैं इस वाले पे कि कौन सी पिक्चर लगाई थी, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसके कवर को ऑफ करेंगे थोड़ी देर के लिए, ये वाली पिक्चर लगानी है, अब किस पे लगानी है, मिसाल के तौर पर इस पे लगानी है, ये रह गया ना, ये रहा हुआ है, मैं देखें स्लाइड शो में, ऐसा तो नहीं गलती कर दी हमने, ठीक है चलें चेक करते हैं, पहले वाले पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, और फिर हम इस पे क्लिक करते हैं, ऑफ हो जाएगा, एंड देन इस पे क्लिक करेंगे, ये ऑन हो गया, फिर देन इस पे क्लिक करेंगे, ये भी ऑन हो गया, आ रही बात समझ में, तो इस पे क्लिक करेंगे, ये ऑन हो गया, इस पे क्लिक करेंगे, ये हाँ हाँ इस पे क्लिक करेंगे तो ये इधर आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए। तो इस तरह का भी आप अच्छा सा एक सैम्पल गेम्स टाइप का इसमें बना सकते हैं ट्रिगर की हेल्प से। तो ये आइडिया देखें, इस पर हमने ट्रिगर की मदद से करने की कोशिश करी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हुई, किस तरह से उनके नाम रखने हैं, डुप्लीकेट करनी है, कैसे उनको एनिमेशंस लगाना है, कैसे उनको विजिबल करना है, इनविजिबल करना है, कैसे एक ट्रिगर बना के बाकी डुप्लीकेट करके उस पर लगाना है, तो इसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये और बेहतर होता चला जाएगा।